हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आज हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो। यस सर। काफी इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द हाई वेटेड चैप्टर है। दो से तीन क्वेश्चन इससे हम अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पढ़ना क्या क्या है वो मैं सिखाता हूँ एक एक करके। ठीक है, अब तक अपन ने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या पढ़ा था कि हम कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं चीजों को। वहीं पे अब डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होगा, उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है किसी पर्टिकुलर लिमिट ए से लेके बी के बीच में। ठीक है, ए से आगे और बी से पहले। तो जनरली हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं ए से, तो आगे से और बी के पहले तक का इंटीग्रेशन हमें करना। तो बेसिकली होता क्या है, ज्योमेट्रिकली अगर इसकी बात करें तो ज्योमेट्रिकली ये रिप्रेजेंट करता है, मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, लिमिट्स मैंने रखी ए से बी, तो ए से बी के बीच में जो ये कर्व एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया कवर कर रहा है वो मेरा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू बताता है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये रिप्रेजेंट करेगी द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व विद द एक्स एक्सिस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, अब कैलकुलेट कैसे करना है, इसका तरीका ये था मान लो आपने एफ एक्स को इंटीग्रेट किया था इनडेफिनिट में, इसका इंटीग्रेशन आ रहा है मान लो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। वहीं पे अगर सेम फंक्शन इंटीग्रेट करना है ए से बी में तो उसमें भी क्या आएगा, इंटीग्रेशन तो कैपिटल एफ एक्स ही आएगा और प्लस सी। और अब आपको क्या करनी, एक बार अपर लिमिट मतलब पहले इंटीग्रेशन बी तक फिर माइनस ए तक, मतलब पहले बी तक का एरिया और ए तक का एरिया क्या हो जाएगा, माइनस तो बचा हुआ रह जाएगा। तो क्या करोगे, पहले अपर लिमिट रख दो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लोअर लिमिट, और जो सी आएगा यहाँ पे प्लस सी, यहाँ पे प्लस सी, सी से अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले एफ ऑफ बी रखना फिर माइनस एफ ऑफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आएगा उसमें एक बार या इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको आप बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपन लोअर लिमिट। पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे फिर नीचे वाली रखेंगे। ठीक है, और ये जनरली ए से आगे बी से पहले, लेकिन हम खैर वैल्यू पुट अप कर देते हैं, अगर फाइनाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोला था वन से लेके टू, तो कैसे करोगे, पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री और लिमिट वन से टू। अब एक बार अपर लिमिट एक्स की जगह टू रख देंगे और एक बार लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका आंसर आ जाएगा एट माइनस वन बाय थ्री दैट इज 7/3। समझ में आया कैसे किया है, बोलो अच्छा क्लियर है ना। तो यस ये इस करना, जैसे मान लो साइन एक्स का पूछ लिया होता पाई बाय फोर से पाई बाय थ्री, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। सही है, यस सर एक बार वापिस से फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली फंडामेंटल डेफिनेशन क्या थी, एफ एक्स अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है डिफाइन इन द इंटरवल ए से बी, देन ए से बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए। यहाँ पे ध्यान से बोल, देखो क्या बोला गया, कंटिन्यूस फंक्शन, ये जो फॉर्मूला स्टार्टिंग वाला मैं अप्लाई कर रहा हूँ फॉर अ कंटिन्यूस फंक्शन,
दिस इज कॉल्ड द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम. इन जनरल बेसिकली क्या होता है, बी से पहले इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. कभी कभी मान लो अगर ये डिफाइन नहीं तो इस तरह से लिखना. एक्चुअली में ये होता है, लेकिन हम वैल्यू अगर मान लो फंक्शन फाइनाइट है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर देंगे तो एफ ऑफ बी आएगा, और यहाँ पे वैल्यू ए रख देंगे तो एफ ऑफ ए आएगा. तो ये तो यही है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू बी माइनस बी की तरफ, बी से थोड़ा सा पहले और ए से थोड़ा सा ज्यादा. अगर मान लो फंक्शन फाइनाइट है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी, और ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए. हाँ है ना, क्लियर है, बोलो. यस सर. घर पे नोट्स बनाओ तो ये सब लिख लेना, ठीक है. अगर मान लो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट सी पे, ए से बी के बीच में, तो फिर आपको उन्हें तोड़ना पड़ेगा, ए से सी तक, फिर सी से बी तक, ठीक है. मान लो फंक्शन सी पे मान लो डिसकंटिन्यूअस है बीच में, तो आपको फिर दो पार्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है. मान लो इस तरह का फंक्शन है, तो डायरेक्ट मत करना, ए से सी तक का इंटीग्रेशन करना, फिर सी से बी तक का इंटीग्रेशन करना, और दोनों को ऐड कर देना. क्लियर है, चलो चलो अब ये वाला ट्राई करो. पहले इंटीग्रेट करो इसको. इंटीग्रेशन करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे, एक एक्स के साथ साइन एक्स है तो कौन सा तरीका सीखा, बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दो. इंटीग्रेशन करने के बाद फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, करो ट्राई. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देखो ये इंटीग्रेशन आया, चाहो तो आप लिमिट्स यहाँ पे भी रख सकते हो या फिर लास्ट में भी रख सकते हो. ये इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से पाई बाई टू, और यहाँ पे भी जीरो से पाई बाई टू, या फिर पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद अब लिमिट रख दो जीरो से पाई बाई टू. क्लियर है, यस सर. यस, एक बार अपर लिमिट, पूरे में अपर लिमिट रख देंगे पाई बाई टू, तो पाई बाई टू रखोगे माइनस लोअर लिमिट, सही है. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, वन. हाँ है ना, यस सर. अपर लिमिट रखोगे पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू जीरो हो जाएगा, इधर साइन पाई बाई टू वन, फिर लोअर लिमिट में यहाँ पे ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाइड आगे, तो लोअर लिमिट तो जीरो आ जाएगी, अपर लिमिट कितनी आ रही थी वन, तो आंसर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा. आ रही बात समझ में, क्लियर है. ये कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन, घर पे एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है. इंटीग्रेट करना है जो नॉर्मल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमने जो सीखा था, और फिर क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. जैसे यहाँ पे भी इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं. इंटीग्रेट करने के बाद जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसमें एक बार अपर लिमिट रख देंगे, माइनस लोअर लिमिट रख देंगे. क्लियर है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया. मतलब ये एरिया के मैग्नीट्यूड है, जैसे मान लो ये एरिया आपका आ रहा होगा पांच, इसका मैग्नीट्यूड है मान लो चार, इसका मैग्नीट्यूड है मान लो दो, इसका मैग्नीट्यूड है मान लो छ, इसका मैग्नीट्यूड है मान लो सेवन. तो ये मैग्नीट्यूड है एरिया का मान लो. तो जब मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करूंगा इसी फंक्शन का, ए से लेके बी पूरे में,
तो मेरा जो आंसर आएगा वो साइन के साथ आएगा, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा साइन के साथ। जैसे अब ये फर्स्ट वाला जो है ये अपवर्ड ही है एक्सिस के ऊपर, तो पॉजिटिव आएगा 5। सेकेंड वाले क्या आएगा आंसर, इसमें बेसिकली ये साइन के साथ कंसिडर करता है, यहाँ पे जो भी आंसर आता है साइन के साथ कंसिडर होता है। तो ये डाउनवर्ड है तो मैग्नीट्यूड तो 4 है, लेकिन डायरेक्ट नीचे एक्स एक्सिस के, तो इसका एरिया क्या है, मतलब बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आएगा, नेगेटिव। अगला वाला +2 ही रहेगा, अगला वाला -6 और अगला वाला +7। तो कहने का मतलब क्या है, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेट करते हैं ओवरऑल, उसमें वो साइन के साथ वैल्यू लेता है, और एरिया अपन कभी भी किसी का एरिया लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, वो तो आगे हम सीखेंगे एरिया अंडर इसका एप्लीकेशन तो देंगे। अगर एरिया पूछा होता तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करता, सारे मैग्नीट्यूड को ऐड कर देता। सुनना ध्यान से, अगर एरिया पूछा होता तो सारे के मैग्नीट्यूड को ऐड करता, मतलब सिर्फ वैल्यू कंसिडर करके ऐड कर देता। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर ए से भी पूरा इंटीग्रेट करना है तो वैल्यू साइन के साथ कंसिडर होगी, डाउनवर्ड वाला नेगेटिव होगा अपवर्ड वाला पॉजिटिव होगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। एग्जांपल के तौर पे समझो ना, जैसे मान लो -π से π साइन एक्स डी एक्स, इसका आंसर निकालते हैं एक बार। इसका आंसर निकालो कितना रहा है, फॉर्मूला अप्लाई करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, कितना रहा है? कितना रहा है साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस आया ना, लिमिट -π से π। अब एक बार अपर लिमिट, कॉस π की वैल्यू कितनी होती है, जीरो -1 -1 -1। और कॉस ऑफ -π भी -1 ही होता है, तो ये जीरो आ रहा है। यस, यहाँ पे आप क्या देखा आपने कि -π से π में sin x का इंटीग्रेशन जीरो आ रहा है। अब एरिया तो जीरो नहीं हो सकता, एरिया तो दिख रहा है आपको ऑलरेडी, है ना, कुछ ना कुछ तो एरिया बनी रहा है। देखो sin x का ग्राफ है, y equal to sin x का ग्राफ है, एरिया देखोगे तो ये भी है ये भी, तो एरिया तो आ रहा है, लेकिन फिर भी आंसर जीरो क्यों आ रहा है, आंसर जीरो क्यों आ रहा है? एरिया तो मुझे दिख रहा है, एरिया कुछ अंडर कर्व तो आ रहा है, लेकिन आंसर जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि सर वो मैग्नीट्यूड का एरिया का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताता है कि यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें साइन के साथ आता है। जैसे यहाँ पे एरिया मान लो कुछ आ रहा होगा, इधर कुछ एरिया आ रहा होगा, ये पॉजिटिव में होगा ये नेगेटिव होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए ओवरऑल एरिया क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना। मान लो इसका एरिया ए है, तो ये एरिया कितना होगा, माइनस ए, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ए माइनस ए प्लस ए, दैट इज जीरो हो जाएगा। मतलब मान लो इसका इंटीग्रेशन का आंसर मान लो ए आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, माइनस ए, तो टोटल कितना आ जाएगा, ए माइनस ए, दैट इज जीरो। जितना इधर पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो ओवरऑल एडिशन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब ये था कि जो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो भी आंसर निकालते हो साइन के साथ कंसिडर होता है, ओवरऑल कंसिडर होता है साइन के साथ। एक्स एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस के नीचे का नेगेटिव कंसिडर होगा, तो साइन के साथ कंसिडर होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये वाला ध्यान से निकालो, इसको ग्राफिकली ट्राई करो। इसका ग्राफ बताया था, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। यस सर। ग्राफ ड्रॉ करके सोचो, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसा था, अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना था, पाई बाई टू से टू पाई, तो पाई बाई टू कहां पे आता है, यहाँ पे, फिर यहाँ पाई आएगा, यहाँ थ्री पाई बाई टू, टू पाई कहां पे आएगा, यहाँ पे। तो इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ये फर्स्ट लाइन वाई इक्वल टू एक्स एक्सिस, आउटपुट भी देखो सुनो, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स है, तो इनपुट भी एंगल होगा और आउटपुट भी क्या होगा, एंगल, क्योंकि साइन इनवर्स का आउटपुट। अब कौन सा एरिया कंसीडर होगा, -π/2 से π/2 में,
ये वाला आया ना, बोलो। यस सर। तो पाई बाय टू से टू पाई में ये एरिया आएगा। यस सर। इसके आंसर बताओ कितना आएगा। जो भी आंसर आएगा क्या साइन के साथ कंसीडर करेंगे कैसे क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा बताओ। आप यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया अप्लाई कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के। ये मान लो A1 है, ये मान लो A2 है, तो मुझे यहाँ पे ये बताओ A1 प्लस A2 आएगा कि क्या आएगा। यहाँ पे जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर आएगा, यहाँ पे A1 प्लस A2 लिखूं या A1 माइनस A2 लिखूं? A1 माइनस A2। हाँ, क्योंकि ये साइन के साथ कंसीडर करता है ना, तो ऊपर वाला तो पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला क्या रहेगा, नेगेटिव। हाँ है ना। यस सर। ठीक है, ऊपर वाले का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस की लेंथ कितनी है, पाई बाय टू, और हाइट भी कितनी है, पाई बाय टू। पाई बाय टू माइनस ए टू, ये वाला एरिया। अब यहाँ पे बेस कितना है, पाई, पाई, और हाइट अभी भी पाई बाय टू है। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाय एट माइनस पाई स्क्वायर बाय फोर, तो माइनस ऑफ पाई स्क्वायर बाय एट। क्लियर हुआ? यस सर। माइनस ऑफ पाई स्क्वायर बाय एट, एक बार देख लो ध्यान से, इसका एरिया अलग से निकाल के और इसका एरिया अलग से निकाला, ये पॉजिटिव या नेगेटिव आया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका क्वेश्चन फॉर्म होगा। सुनो ध्यान से, एक एक करके सारी प्रॉपर्टी सुनो। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर वन, प्रॉपर्टी नंबर वन ये बोलता है कि मान लो कोई फंक्शन है fx जिसका इंटीग्रेशन a से b हो रहा है, और सेम फंक्शन है, फंक्शन सेम है, बस वेरिएबल x की जगह का t यूज कर लिया, और लिमिट भी अगर सेम रखी, लिमिट भी सेम रखी x की जगह का, मान लो t भी आ गया और लिमिट भी सेम है, फंक्शन भी सेम है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली डेफिनेट इंटीग्रेशन तो मुझे एक फाइनाइट वैल्यू देता है। इंटीग्रेशन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देता हूँ एक्स की जगह, तो अगर वेरिएबल चेंज भी हो गया तो इंटीग्रेशन तो वो ही रहेगा, और अपर लिमिट लोअर लिमिट भी सेम रहेगी, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब एक्स की जगह टी रखने पे या यू रखने पे वी रखने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस फंक्शन सेम और आपकी लिमिट भी सेम हो। एग्जाम्पल से समझना, अगर तो अगर मान लो जीरो से पाई बाय टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, या फिर जीरो से पाई बाय टू साइन टी का इंटीग्रेशन, दोनों सेम है कि डिफरेंट है, क्या दोनों से आंसर अलग अलग आएगा? नो सर, सेम ही आएगा ना, यहाँ पे फर्क थोड़ी कुछ पड़ना है। यहाँ पे देखो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, या माइनस कॉस टी रखोगे अब इस टी की जगह अपर लिमिट माइनस, क्योंकि अल्टीमेटली टी की तो वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, तो दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी? यस सर। वेरी। प्रॉपर्टी नंबर टू, कभी कभी मान लो अगर लिमिट्स को इंटरचेंज करना है आपको, ए से बी जो लिमिट है उसको बी से ए करना है, तो लिमिट्स को इंटरचेंज करने पे बस एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा लगाना है, ए से बी की लिमिट हो जाएगी बी से ए एफ एक्स डी एक्स, लिमिट्स को अगर आपस में इंटरचेंज करना हो तो। एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लो माइनस या फिर फाइव से माइनस टू, मान लो मुझे लिमिट को इंटरचेंज करना, तो माइनस आगे लग जाएगा और लिमिट्स इंटरचेंज, माइनस टू से फाइव हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो लिमिट्स को इंटरचेंज करने के लिए एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर थ्री,
प्रॉपर्टी थ्री ये बोलता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं इस पे। कभी कभी कोई स्पेशल फंक्शन जो होते हैं जैसे मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, वो कहीं ना कहीं पे क्या होता है, जैसे ब्रेक हो रहे हैं, डिफाइन अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफाइन होते हैं। तो कोई नंबर है सी, मान लो ए और बी के बीच में, कोई नंबर है सी बिटवीन ए एंड बी, और इंटीग्रेशन मुझे करना था ए से बी तक। मान लो फंक्शन सी पे ब्रेक हो रहा है या फिर सी पे इसका डेफिनेशन चेंज हो रहा हो, तो आप अपने इंटीग्रेशन को ब्रेक भी कर सकते हो ए से सी तक, फिर सी से बी के बी तक। क्या है, बात समझ में आती है? Yes. ठीक है, अगर इंटीग्रेशन ए से बी में कर रहा था, सी कोई नंबर है ए और बी के बीच में, और मुझे मान लो सी के अबाउट ब्रेक करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए से सी प्लस सी से बी, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी तक इंटीग्रेट करो, फिर सी से बी तक इंटीग्रेट करो। ठीक है, ये देखो तीनों प्रॉपर्टी, क्या समझ में आई यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ध्यान से, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस थ्री, ये कोई फंक्शन था, अब इस फंक्शन को मान लो मुझे इंटीग्रेट करना है जीरो से फाइव तक, तो कैसे करेंगे? मॉड्यूलस फंक्शन का इंटीग्रेशन थोड़ी सी कम है ना, मॉड्यूलस इंटीग्रेशन सीखा है क्या? नहीं सीखा है, तो कैसे इंटीग्रेट करें इसको? सर से थ्री पे ब्रेक कर लेंगे। हाँ, वेरी गुड, पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अब मॉड्यूलस फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होता है? जहाँ पे भी ये जीरो हो रहा हो उसके अबाउट डिफाइन होगा, है ना? थ्री पे जीरो, तो मेरी जो लिमिट से जो कि थी कहाँ से कहाँ तक, जीरो से फाइव तक थी, ये थ्री के अबाउट क्या होगी, ब्रेक होगी। अगर एक्स की वैल्यू तीन से ज्यादा है तो ये मॉड पॉजिटिव रहेगा, तीन से कम में मॉड नेगेटिव होगा, है ना? Yes, sir. और ऐसे पता है जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है ग्रेटर देन थ्री पे पॉजिटिव, मतलब डायरेक्ट ऐसा कैसा ओपन हो जाता है जो है वो का वही, और लेस देन थ्री पे नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा। आ रही बात समझ में? Yes. बोल दो, इसका इंटीग्रेशन देख लो ध्यान से, जीरो से फाइव, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री का इंटीग्रेशन करना था, मॉड्यूलस फंक्शन का इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसको जीरो से थ्री, थोड़ा जीरो से थ्री में नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा। और थ्री से फाइव में एक्स के वैल्यू तीन से ज्यादा है, तीन से ज्यादा मतलब जैसा पॉजिटिव ओपन हो जाएगा जो है वो कभी, ये मॉड्यूलस फंक्शन को इस तरह से ओपन करते हैं, याद आ रहा है? अगर इनपुट नेगेटिव है, इन अंदर क्वांटिटी नेगेटिव, तो माइनस टाइम्स ओपन होता है, और अंदर क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट एज इट इज ओपन होता है। तो जीरो से थ्री में, तीन से कम में नेगेटिव। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस एक बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, जीरो से थ्री, यहां पे भी लिमिट थ्री से फाइव, एक बार पूरी अपर लिमिट रखोगे, एक बार पूरी लोअर लिमिट रखोगे, क्लियर हो रहा है? बोलो हाँ है ना? Yes, ये तीनों प्रॉपर्टी एकदम ध्यान से बिठा लेना, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन, अब मॉड के अंदर क्या गिवन है, ये गिवन है ना, पहले मुझे देखना पड़ेगा ये कहां पे ब्रेक होगा, तो थ्री कॉमन ले लिया, x की किन वैल्यू पे ब्रेक होगा ये चेक करना पड़ेगा। एक तो x माइनस टू पे और x प्लस वन पे, ये हुआ, x माइनस टू पे और x प्लस वन पे ये मॉड बन गया। अब ये मॉड कहां पे पॉजिटिव नेगेटिव होगा, माइनस वन और टू पे, क्लियर है? Yes, sir. Yes. दो से ज्यादा, अगर एक्स की वैल्यू दो से ज्यादा तो ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव। दो से कम माइनस वन से ज्यादा, दो से कम में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव, माइनस वन से कम में दोनों नेगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव। ये इस मॉड के बारे में बात करी। अब इंटीग्रेट खेल मुझे कहां से कहां तक करना था,
माइनस दो से दो, तो माइनस दो से दो में कहां पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन, माइनस वन पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो फंक्शन को माइनस वन पे ब्रेक करना पड़ेगा। अब माइनस वन पे देखो ब्रेक कर दिया, अब माइनस दो से माइनस वन में क्या बोला है, ये मॉड पॉजिटिव ओपन होगा एज इट इज, है ना? यस सर। यस। माइनस दो से माइनस एक में क्या हो रहा है, ये मॉड पॉजिटिव ओपन हो रहा है क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंडिकेटर का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो एज इट इज ओपन कर दिया। फिर माइनस वन से दो तक ये नेगेटिव से ओपन है, तो नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा। अब वापिस इसको एक एक को इंटीग्रेट करना है, एक बार पूरी अपर लिमिट, एक बार पूरी लोअर लिमिट को माइनस कर देना। आ रही बात समझ में कि नहीं? Yes, इंटीग्रेट करके अपर लोअर लिमिट रखना आती कि नहीं आती, इसको इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा x क्यूब बाई थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस का सिक्स एक्स माइनस टू से वन। यहाँ पे भी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का सिक्स एक्स, यहाँ पे लिमिट माइनस वन से टू। एक बार पूरी अपर लिमिट रखोगे, एक बार पूरी लोअर लिमिट रखोगे, क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अपर माइनस लोअर करेंगे सर। हाँ, एक बार पूरी अपर लिमिट देखो ध्यान से, ये इंटीग्रेट करा, एक बार पूरी x की जगह माइनस वन रख देना, जो वैल्यू आएगी माइनस, एक बार x की जगह माइनस टू, उन दोनों को आपस में क्या करना, माइनस करना, क्लियर है? यहाँ पे पहले पूरे में x की जगह माइनस वन, यहाँ पे x की जगह माइनस टू, यहाँ पे भी सेम, पूरे इक्वेशन में एक बार x की जगह टू और पूरी इक्वेशन में एक बार x की जगह माइनस वन, जो भी आंसर आएगा दोनों को आपस में माइनस कर देना, क्लियर हो गया? यस सर। अब यहाँ पे तीन मॉड है, mod x minus 1, mod x minus 2, mod x minus 4. ये वाला mod 1 पे ब्रेक होगा, ये वाला mod 2 पे ब्रेक होगा, ये 4 पे ब्रेक होगा, तो 1 से 4 के बीच में कहां पे ब्रेक हो रहा, 2 पे, है ना? तो लिमिट कहां पे ब्रेक होगी, एक तो 2 पे ब्रेक हो जाएगी, ठीक है? अब इनके mod को ओपन करो, 1 से 2 पे के बीच में mod कैसे ओपन होंगे, उनकी वैल्यू रखो, फिर 2 से 4 के बीच में mod कैसे ओपन होंगे, उनकी वैल्यू रखो। थर्ड मॉड भी फोर से कम है तो नेगेटिव टाइम्स ही ओपन होगा, है ना? यहाँ पे दो से कम है तो दो से कम में तो ये बच्चे भी दोनों मॉड नेगेटिव, ये पॉजिटिव सिर्फ। अब दो से ज्यादा चार से कम, तो दो से ज्यादा तो शुरू के दो पॉजिटिव ही ओपन होंगे, दो से ज्यादा है तो जो है वैसा वैसा, और चार से पहले तो ये नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा। क्लियर हो रहा है? अब बस कैलकुलेशन करना है। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक बार दोबारा मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे ब्रेक करते हो, बस वही किया। एक्स ये जैसे मॉड एक्स माइनस वन है, अगर एक्स वन से ज्यादा है तो डायरेक्ट ओपन हो जाता है, x अगर 1 से कम है तो नेगेटिव टाइम्स ओपन होता है, क्लियर है? तो यहाँ पे 1 से 2 में 1 से ज्यादा ही है तो जो है वैसा का वैसे ओपन कर दिया। अब 1 से 2 में अब अगला मॉड x माइनस 2 है तो x माइनस 2 तो 2 से ज्यादा में पॉजिटिव, 2 से कम में नेगेटिव, तो 2 से कम में ये भी नेगेटिव, और x माइनस 4 भी 4 से ज्यादा में पॉजिटिव, 4 से कम में नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव। आगे बात समझ में? बोलो। यस सर। यहाँ पे कैलकुलेशन करना, माइनस 1 प्लस 2, माइनस का वन प्लस का टू दैट इज प्लस का वन और प्लस का फोर दैट इज फाइव, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का एक्स। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहां से एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस का थ्री प्लस का फोर, तो यहाँ पे ये आया, यहाँ पे आया। अब इसको इंटीग्रेट कर देना, ये तो पहले फंक्शन को डिफाइन किया अपन ने,
पहले फंक्शन को डिफाइन किया, आप इंटीग्रेट कर देंगे। एक बार पूरे में अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देख लो, ध्यान से। नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लो, कोई भी स्टेप नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लो। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 4। एक मिनट, इस पे पहले थोड़े और क्वेश्चन कराता हूँ। यहां तक समझ में आ गया? प्रॉपर्टी 3 तक ये तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, इसको चालू करने से पहले पहले प्रॉपर्टी 1, 2, 3 पे, प्रॉपर्टी 3 पे थोड़े और क्वेश्चन कराता हूँ। चलो आप लोग पहले ट्राई करो, फिर मैं सिखाता हूं। चलो फर्स्ट वाला मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2 से 3 कहां पे ब्रेक होगा? ये मॉड एक्स माइनस 0 पे। 0 पे। 0 यस सर। अब 0 से पहले मॉड नेगेटिव ओपन होगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव। हां नेगेटिव। सब लोग सॉल्व कर लो एक बार दोनों क्वेश्चन। हो गया सॉल्व? पहले वाला मॉड नेगेटिव ओपन होगा, अगला वाला मॉड पॉजिटिव। यस सर। 0 से ज्यादा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो फंक्शन में पहले से नेगेटिव, तो नेगेटिव बाहर लग गया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो माइनस था ना, इस माइनस को मैं बाहर लिख रहा हूँ, फिर ब्रैकेट बना रहा हूं। अब x x की जगह एक बार 0 रखा, x की जगह एक बार माइनस 2 रख दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आ रहा समझ में? यस सर। यहाँ पे तो यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये माइनस अंदर जाएगा, इसको प्लस बना देगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 बच जाएगा। यहाँ पे 9/2 LCM लोगे, 9 + 4 = 13/2। ये क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अगला ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसको ये कहां पे ब्रेक होगा?
और इंटीजर्स पे, इंटीजर्स पे, वेरी गुड। वन से पहले कहां तक जाएंगे? टू, टू तक। वन से टू, फिर टू से थ्री, आया ना? बोलो। यस सर। थ्री से फोर और लास्टली फोर से फाइव। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो एक ऐसा फंक्शन, स्पेशल फंक्शन जिसका आउटपुट हमेशा एक इंटीजर ही होता है, ये कोई वेरिएबल तो है नहीं, इसका आउटपुट क्या है? इंटीजर। अगर x की वैल्यू 1 से 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी? 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 2। ध्यान रखना क्योंकि यहां पे 3 माइनस 2 प्लस होता है, इसलिए बताया था 3 से थोड़ा सा पहले, 2 से आगे, तो 2 ही आएगा। 3 अगर x की वैल्यू 3 से 4 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 3 और लास्ट वैल्यू का क्या आ जाएगा? 4। अब बस इसको इंटीग्रेट करना, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, अपर लिमिट लोअर लिमिट है, 2 का इंटीग्रेशन 2x, इसका इंटीग्रेशन 3x, इसका इंटीग्रेशन 4x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे, यहां पे 3 4 आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। क्लियर है? यस सर। तो 10 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। आप एरिया निकाल के भी इसका डायग्राम ड्रॉ करके अगर एरिया निकाल के भी देखते तो भी आंसर सेम आता, ठीक है? अगर क्रॉस चेक करना हो तो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डायग्राम 1 से 5 के बीच में, वन से टू के बीच में वैल्यू वन आती है, टू से थ्री के बीच में वैल्यू टू आती है, क्लियर है? अब वन से फाइव का एरिया पूछा था, तो वन से फाइव का एरिया कौन सा आएगा? यहाँ ब्रेक, अपन ने देखो डिसकंटिन्यूअस था तो ब्रेक कर दिया, एरिया कौन सा आ जाएगा? ये वाला, ठीक है? एक एक करके सारे। अब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के एरिया देखो, इसकी लेंथ कितनी है 1, विड्थ भी कितनी है 1, तो फर्स्ट वाले का एरिया कितना आ जाएगा? 1 आया ना? यस सर। यस सर। सेकंड वाले का देखो, लेंथ तो 1 है, विड्थ 2 है, तो सेकंड वाले का 2, यहां पे भी लेंथ 1 विड्थ 3 तो 3, लेंथ अगेन 1 विड्थ 4 तो ये कितना आ जाएगा? 4। l into b होता है। यस सर। सही है? तो ये बस ध्यान रखना, मॉड्यूलस फंक्शन वहां पे ब्रेक होता है 0, मतलब जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको मॉड्यूलस फंक्शन को 0 से इक्वेट कर दो और चेक कर लो कहां पे पॉजिटिव नेगेटिव। इसके अलावा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वहां पे ब्रेक होता है जहां जहां पे भी वो अंदर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो चीज है वो इंटीजर बन रही हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी क्वांटिटी वो क्या बन रही हो? इंटीजर बन रही हो, वहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रेक होता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको कैसे करोगे? मॉड ऑफ कॉस एक्स, 0 से पाई इंटीग्रेट करो। बताओ फर्स्ट वाला सर, पाई बाय 2 का ब्रेक होगा, पाई बाय 2 पे ब्रेक होगा, पाई बाय 2 पे ब्रेक होगा, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 में तो पॉजिटिव ही है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। यस सर। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा। क्लियर है? यस सर। यस। अब बस इंटीग्रेट कर देना, cos इंटीग्रेशन sin x, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, यहां पे वापस cos का इंटीग्रेशन sin x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आंसर निकल जाए। क्लियर हो गया? यस सर। चलो अगला एग्जांपल करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर
x square है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या है x square है, तो कहां कहां पे प्रिंट। अच्छा रुको, चलो उसके पहले थोड़ा सा और इजी वाला करो। टू एक्स है मान लो पहले, या फिर थ्री एक्स मान लो, चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का थ्री एक्स है, तो एक्स की किन किन वैल्यू पे कहां कहां पे ब्रेक होगा। आपको पता है कि अंदर जो भी क्वांटिटी है वो जहां जहां पे भी इंटीजर होगी वहां वहां पे ये पूरी क्वांटिटी जिधर जिधर भी इंटीजर से चेंज हो रही वहां पे ये चेंज होगा। 3x सबसे पहले मान लो 0 से 2 मतलब 3x को आपने 1 मान लिया। अब सुनना ध्यान से, ऐसा फिर ऐसा सोचो सबसे आसान तरीका, मुझे ये बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक है। 0 से 2 0 से 2 0 से 2 ये लिमिट x की होती है ना, तो x 0 से 2 के बीच में है ना। यस सर। तो 3x किसके बीच में होगा, 0 टू 6 0 से 6 है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? यस। अगर x 0 से 2 है तो 3 टाइम्स x 0 से 6 होगा। अब 0 से 6 अब देखो ये 3x इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब ये 0 से 6 में कौन कौन से इंटीजर आएंगे, अब आपको क्या देखना 0 से 6 के बीच में कौन कौन से 0 1 2 3 4 नाउ टू चेक इंटीजर्स बिटवीन 0 टू 6। देखो यही तरीका होता है, ये सबसे आसान तरीका है, चाहे फंक्शन कैसा भी हो ये तरीका अपनाओगे ना तो गलती नहीं होगी। सबसे पहले 3x को इक्वेट कर देंगे 1 से, x कितना आ जाएगा 1/3 है ना। 0 से 6 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 यही तो आएंगे। यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। तो ये कहां कहां पे ब्रेक होगा वो पता कर रहा हूं मैं, x की किन किन वैल्यू पे ब्रेक होगा वो पता कर रहे हैं अपन। तो यहाँ से 3x जब 1 होगा उस समय x कितना होगा 1/3, तो 1/3 पे ब्रेक होगा, फिर अगला 2/3 पे ब्रेक होगा, फिर अगला 3/3 दैट इज 1 पे ब्रेक होगा, फिर अगला 4/3 पे ब्रेक होगा, और लास्टली 5/3 पे ब्रेक होगा। तो जो मेरा क्वेश्चन है वो किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, x की वैल्यू पहले 0 से कहां पे ब्रेक होगा 1/3 पे, तो 1/3 तक, फिर 1/3 से लेके 2/3, 2/3 से 4/3, फिर 4/3 से 5/3, और लास्टली 5/3 से 6/3 दैट इज 2। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, अब 0 x की वैल्यू जब 0 से 1/3 है, x की वैल्यू जब 0 से 1/3, तो उस समय 3x किसके बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना था, 0। आ रही बस समझ में, क्योंकि 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है ना मेरे को। यहाँ पे क्या पता चला, जब x 0 से 1/3 है तो 3x 0 से 1 होगा, 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आता है। बोलो। यस सर। अगले वाले पे ध्यान दो। अगले वाले में लिमिट देखो कहां से कहां तक है, अगले वाले की लिमिट कहां से कहां तक है, 1/3 से 2/3 है। यस सर। इंटीग्रेशन करना है और फिर वापस वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समझ में आई क्या बात। यस सर। ये मेथड ध्यान रखो, ये मेथड ध्यान रखो, पहले x के बारे में 3 से 4/3 है तो वहां पे 2/3 से 1 ही आनी चाहिए लिमिट। क्या हुआ? हां 1 आएगा, सॉरी सर, हां ये 1 आएगा, 1 भूल गया मैं, 1 मिस कर दिया, 2/3 के बाद 1 आ रहा है ना।
टू बाई थ्री के बाद बच्चों क्या आ रहा है, वन आ रहा है, टू बाई थ्री वन से, फिर फोर बाई थ्री, फिर फोर बाई थ्री से फाइव बाई थ्री, और फिर फाइव बाई थ्री से टू, क्लियर है। तो यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे पहले जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, सही है। तो तरीका याद रखना, पहले लिमिट्स को देखना, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, फिर अंदर जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, फिर इसके बीच में इंटीजर्स कौन कौन से उनको इक्वेट करके एक्स की वैल्यू पता कर लेना, क्लियर हुआ। Yes, sir. इस पे थोड़े से और अच्छे कुछ एक दो और करा देता हूँ। ये greatest integer function है, करो try, तब तक एक question दे रहा हूँ। दोनों क्वेश्चन एकदम शांति से प्रॉपरली ट्राई करना, जैसा भी सिखाया था वैसे। एक फर्स्ट वाले का कितना आ रहा है सर? फोर आ रहा है, फोर आ रहा है। चलो एक बार फर्स्ट वाला देख लो, फिर सेकंड वाला भी आप ट्राई करते रहो। फर्स्ट वाले का तरीका देखो, सबसे पहले क्या लिखूं बताओ, पहली स्टेप सबसे पहले क्या लिखते हैं, बोलो बोलो सबसे पहले क्या लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या लिखा था सबसे पहले, x कहां से कहां तक? हाँ, x कहां से कहां तक है? 0 से 8। ऐसे ही करा करो, गलतियां नहीं होगी। अब किसके बारे में चेक करना, x by 4 के बारे में? by 4 वो किसके बीच में होगा? 0 से 2। 0 से 2, अब इनके बीच में इंटीजर कौन आ रहा है? 1 आ रहा है, इसको 1 से इक्वेट कर देंगे, आया ना? यस सर। x बाय 4 को 1 से इक्वेट कर दो, x यहां से, अब x कितना आ जाएगा? 4। बस अब यहीं पे ब्रेक होगा, ये आया ना? यस सर। कहां पे ब्रेक होगा? 4 पे, तो 0 से 4 तक और 4 से 8 तक, आ गई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. अब सेम लॉजिक, जब x 0 से 4 होगा, x की वैल्यू 0 से 4 होगी, तो x by 4 0 से 1, और 0 से 1 का greatest integer कितना आएगा? 0 आएगा? 0। Yes, sir. जब x की वैल्यू 4 से 8 होगी, तो x by 4 की वैल्यू, x by 4 की वैल्यू 1 से 2 होगी, 1 से 2 का greatest integer कितना आएगा? वापस बंदे को स्टार्टिंग ये होगा 0 से 1, यहाँ पे तो इसका इंटीग्रेशन 0 ही आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो कितना आ जाएगा? 4।
ये बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। चलो सेम तरीके से अगला क्वेश्चन करो, बताओ फाइनल आंसर। सिक्स माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री। ओके वेरी गुड, चेक कर लेंगे। तब तक बाकी लोग भी सॉल्व करो और आप भी अपना अपना आंसर चेक कर लो। किसका आंसर आया था ये? सिक्स माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री। करो ट्राई। सर थ्री माइनस रूट टू आ रहा है। थ्री माइनस रूट टू, चलो बताओ। स्टेप वन जल्दी से आप लोग बताओगे इस बार, बताओ, बोलो, मेरा गला दुख रहा है, जल्दी बोलो। एक्स जीरो टू के बीच। अगली स्टेप बताओ। जीरो से सर एक्स स्क्वायर जीरो से चार के बीच। जीरो से फोर के बीच। वेरी गुड, अब क्या लिखेंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स यस सर। वन टू के बीच। वन टू थ्री। वेरी गुड। वन टू थ्री। अब इक्वेट कर देंगे इंटीजर से एक्स स्क्वायर को। यस सर। यस सर। अब यहाँ से x पता करते, यहाँ से x कितना आएगा? वन रूट टू। यहाँ से x कितना आएगा? वन रूट थ्री। यहाँ से x कितना आएगा? रूट थ्री। तो मेरा जो लिमिट है वो कहाँ कहाँ पे ब्रेक होगा? वन पे, रूट टू पे और रूट थ्री पे ब्रेक होगा। यस सर। सबसे पहले जीरो से वन तक। अब x जब जीरो से वन होगा तो एक्स स्क्वायर भी जीरो से वन, जीरो से वन का ग्रेडिएंट वापस जीरो ही आएगा। फिर अगला वन से कहा, वन के बाद किस पे ब्रेक होगा? रूट टू पे। अगर x की वैल्यू वन से रूट टू है तो एक्स स्क्वायर वन से टू, वन से टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? वन। यस सर। वन। फिर रूट टू से रूट थ्री, अगर x की वैल्यू रूट टू से रूट थ्री तो एक्स स्क्वायर टू से थ्री, टू से थ्री का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? टू। सेम वही चीज चलेगी, रूट थ्री से फिर लास्ट कहाँ तक जाएगा? टू तक। अगर x की वैल्यू रूट थ्री से टू है तो एक्स स्क्वायर थ्री से फोर होगा, थ्री से फोर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? थ्री। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। अब देखो इसका आंसर तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वन का इंटीग्रेशन होगा x, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो कितना आएगा? रूट टू माइनस वन आएगा। यस सर। यहाँ पे टू का इंटीग्रेशन होगा टू एक्स, तो टू इंटू एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रूट थ्री माइनस रूट टू। फिर यहाँ पे होगा थ्री, टू माइनस रूट थ्री। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैलकुलेट। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब इसको अगर फाइनल आंसर लिखना है आपको तो मैं एक बार बता देता हूँ। देखो रूट टू यहाँ पे तो जीरो है, यहाँ पे रूट टू का टर्म आ रहा है, तो रूट टू के साथ और कहाँ पे रूट टू है? यहाँ पे रूट टू है। रूट टू माइनस टू रूट टू, रूट टू में से टू रूट टू माइनस होगा तो एक रूट टू बच जाएगा। माइनस का रूट टू बचेगा, देखो यहाँ पे रूट टू है, यहाँ पे माइनस ऑफ टू, तो वन माइनस टू तो एक माइनस का वन बच जाएगा। अब रूट थ्री की टर्म देखो, यहाँ से टू रूट थ्री आएगा और यहाँ से माइनस थ्री रूट थ्री, माइनस टू, तो टू रूट थ्री माइनस थ्री रूट, माइनस का एक रूट थ्री बच जाएगा। और रैशनल टर्म में यहाँ से माइनस का वन और यहाँ से प्लस का सिक्स, माइनस वन प्लस सिक्स कितना होगा? फाइव। यस सर। प्लस का, तो आपका फाइनल आंसर ये आएगा, फाइव माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री। सही किया मैंने? यस। बोलो। यस सर। आपको समझ में तो आ रहा है ना पक्का? यस सर। यस सर। चलो एक और ट्राई करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एक्स लिमिट जीरो टू फोर। करो
सर ठीक है, चेक करते हैं। बताओ वापिस वही तरीका रहेगा? यस सर। इनके बीच में इंटीजर वन आएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू वन आएगी तो वन पे ब्रेक होगा, सही लिखा है मैंने? यस सर। यस सर। यस सर। अब जी एक्स की वैल्यू अगर जीरो से वन है तो रूट एक्स भी जीरो से वन, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी जीरो आ जाएगा। एक्स अगर वन से फोर है तो रूट एक्स किसके बीच में होगा? वन से टू के बीच में। यस सर। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? वन आ जाएगा। जीरो इंटीग्रेशन वन एक्स 1 से 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 3 आ रहा है क्या? 3 आ रहा है। यस यस सर। यस सर 3। तो आपका तो कुछ आपका क्या आ रहा था? 2 आ रहा था। 3 आ रहा है सर। 3 आ रहा था। चलो ठीक है, फिर समझ में तो आ गया ना कैसे किया? यस सर। यस सर। तो ठीक, एक मिनट मैं आपको एक बार एनसीईआरटी दिखा देता हूं। एनसीईआरटी आपने कर रखी है कि बाकी है अभी? कर रखी है। हो गया आपके स्कूल में चैप्टर? नो सर। यस सर। ठीक है, अगर कर रखी तो अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं कर रखी है तो शुरू की दो जो भी जितना मैंने पढ़ाया बेसिक फंडामेंटल उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो जो भी क्वेश्चन है वो ट्राई कर लेना, और जिन्होंने ऑलरेडी एनसीईआरटी कर रखी है वो मॉड्यूल की एक्सरसाइज नंबर 1 पूरी ट्राई कर लेना। क्लियर है? मॉड्यूल की एक्सरसाइज नंबर 1 का सेक्शन ए और सेक्शन बी के शुरू के 7 क्वेश्चन लिखो होमवर्क में अभी भी। मॉड्यूल की एक्सरसाइज नंबर 1 का सेक्शन ए कंप्लीट और सेक्शन बी के शुरू के 7 क्वेश्चन, अगर जो ये तो पहले ही कर लेना सब लोग, और जिसको अगर समय एक्स्ट्रा हो तो वो एनसीईआरटी भी अटेम्प्ट कर लेना। क्लियर है? यस सर। तो आज की क्लास में हमने शुरू की 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगली क्लास में प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5 में पूरा लेक्चर 4, 5 और 6 ये 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्लियर है? आया ना? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है।